मैं काश मैं आपको दिखा सकती मेरी एक टांग है, देखिए मैं तो एक टांग पे खड़ी हूँ आदिल जी के साथ रोमांस करने के लिए ऑन स्क्रीन गाने डायलॉग्स बोलने के लिए। आई एम सो हैप्पी के थैंक्स टू मनीष जी एंड सिने प्राइम के मैं और आदिल एक साथ में अच्छी वेब सीरीज के साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बल्कि अभी हम आपको नहीं ज़्यादा बता सकते, उस पर भी स्टोरी एंड डायरेक्शन एंड हर टाइटल पे वर्क हो रहा है। बहुत ही अच्छा हम काम करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज जो भी चीज़ आप देखते हो जल्दी जज मत करो, उसको पूरा देखो। आर्टिस्ट को बहुत मेहनत लगती है काम करने में। आज मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है, एक महीना, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पांच महीने, छह महीने लगते हैं काम कंप्लीट होने में। इन लोगों को पता है, सिर्फ एक मिनट दो मिनट देख के उसको जज मत करो। प्लीज उनको प्यार दो, सपोर्ट करो, प्लीज हर आर्टिस्ट की इज्जत करो। थैंक यू। जोरदार तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीवन। मनीष, देयर इज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन हियर। सिने प्राइम, मेरा सिने प्राइम और आप सबका सिने प्राइम एक सरप्राइज देने जा रहा है ऑडियंस को, मीडिया को और पूरे बॉलीवुड को। सिने प्राइम इज गोइंग टू डू अ वेब सीरीज विथ राखी जी एंड आदिल। ओह माय गॉड, एवरीबॉडी इस बात पे जोरदार तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीबॉडी। मेनी कांग्रेचुलेशंस आदिल एंड राखी मैम। थैंक यू। सुनील जी भी हो और हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हो। कंफर्म मैम, उनके बिना तो बन ही नहीं सकती। मैं अगर नहीं रहूंगा तो पाप लगेगा। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। एक बार जोरदार तालियां और हो जाए, कम ऑन एवरीवन। और इससे पहले कि मैं ये मौका नहीं खोना चाहूंगी, आई विल रिक्वेस्ट हमारे डायरेक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इस टीम को डायरेक्ट करने में, जरा बताइए। ही हैज द माइक। हेलो 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 हेलो, सभी मीडिया जगत को नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं महेश भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि महेश भाई ने इस फिल्म में, वेब सीरीज में जान लगा दी है। और वो ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे बच्चे के लिए बाप चाहता ना कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जूते पहने, तो जो सुविधाएं मैंने ऐसे डायरेक्टर बोला उन्होंने प्रोवाइड किए। और इतने एक्टर को लेके साथ में काम करना, कॉस्ट्यूम, लोकेशन, सब कुछ बेस्ट रहा। और मेरे सारे आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया, विधिका भंडारी ने, नीलाई सब ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हमको थोड़ी सी एक ही जगह प्रॉब्लम आई, बाकी सब तो कुछ अच्छा रहा। कि हमारे इसमें गाना एक ग्लैमर सॉन्ग है जो इन पे इमरान भाई पे है, जितना मुझे गाना शूट करने में टाइम नहीं लगा क्योंकि बजट का इशू का था। तो प्रोड्यूसर जी बोले सर कोरियोग्राफी आप ही कर लो, क्यों बजट खर्चा बढ़ा। ओहो, तो वो कोरियोग्राफी आपने की है सर, हम बड़े एक्साइटेड हैं देखने के लिए, क्या बात हो गई है। तो जितना गाना शूट करने में टाइम नहीं लगा उससे ज्यादा मुझे इमरान को मनाने में लगा, कन्विंस करने में। हमने भाई कर ले वरा सर, ऐसा मैंने देखा बहुत अच्छा है, तो आप देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि इमरान ने उसे कैसा परफॉर्म किया है, आपको जज कर पाएंगे। और विधिका जी बहुत खूबसूरत लगी है एक नए अंदाज लुक में, शाहिल भाई। और हमने इसमें एक रेट्रो सॉन्ग भी किया है, वो एक नए अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। और म्यूजिक को आप लोग बहुत प्यार करेंगे। और मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी पूरी टीम थोड़ी सी डरी हुई थी सर, कैसा OTT होगा, कहाँ होगा, ये होगा, बड़ा करो, ये करो। मैंने कहा देखो जो भी होगा अच्छा प्रमोशन होगा। और मनीष भाई ने आज सारे कलाकारों के अनुरूप उससे अच्छा प्रेजेंटेशन करके दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आ गया। थैंक यू, लव यू मनीष भाई, थैंक यू सो मच। सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक मौका लेना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप सब जोरदार तालियां बजाएं। वन ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स इज देयर विद अस, मिस्टर महेश मिश्रा, जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीवन। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, एंड एवरीबॉडी, वी हैव वन मोर सेलिब्रिटी गेस्ट विद अस ओवर हियर, जरा जोरदार ताली बजाएं फॉर अजीत पंडित। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर अजीत पंडित, इनके लिए जरा तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीवन, जॉइन अस हियर। जरा तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीबॉडी फॉर मिस्टर अजीत पंडित, प्लीज प्लीज सर, प्लीज स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। क्या होता है आप जब नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होता है तो यहाँ ना कितना मुश्किल होता है सब जानते होंगे, राखी जी भी जानती हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट जो यहाँ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ आना और खुद को एस्टैब्लिश करना और अपने साथ साथ लाखों लोगों को काम देना, ये जो है कमाल की बात जो है मनीष जी में है। इसलिए जोरदार तालियां कि खुद को एस्टैब्लिश करना और अपने साथ साथ लाखों लोगों को काम देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो थैंक यू मनीष भाई सिने प्राइम लॉन्च करने के लिए और मुझ जैसे और ये भाई लोग खड़े इन सबके लिए इतना सारा काम देने के लिए, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बजाएं अजीत जी के लिए एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच सर एंड वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस। ऑलराइट राजू जी, राजू जी आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस वेब सीरीज जो आ रहा है? मैं बहुत देर से रुका हुआ था सर, ये माइक यहां से लेजेंड्स को हम हमेशा बोलने देते, प्लीज स्पीक अ फ्यू वर्ड्स सर।
नहीं, सबसे पहले तो बस सिने प्राइम को और सारे आर्टिस्टों को, डायरेक्टर्स को, टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक नया प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे आर्टिस्टों को, टेक्नीशियंस को एक नया प्लेटफॉर्म देगा. और एक अच्छी सोच के साथ मनीष जी आए हैं कि मुझे कुछ भी बोल्ड नहीं बनाना है, कुछ भी पॉन टाइप का नहीं बनाना है, मुझे अच्छा बनाना है, एक फैमिली ऑडियंस के लिए बनाना है. ये बहुत एक अच्छी सोच है. तो ऐसी सोच वाले जो ओटीटी है, इसे बिल्कुल जैसे राखी जी ने कहा कि आप लोग डाउनलोड कीजिए. और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि एल लग गए, इतनी बड़ी हिट हो और इतना चर्चा हो जाए कि उस वक्त की जितनी सारी वेब सीरीज है उनके लग जाए. क्या लग जाए? एल लग जाए बाकी सबके, मतलब लॉकडाउन लग जाए, मतलब नहीं नहीं नहीं, ये फैमिली क्राउड है तो हाँ. समझने वाले को इशारा काफी है, राखी जी ने बिल्कुल सही कहा है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच सर. सर एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं पूरी टीम को यहाँ पे बुलाऊं. ये जो हमारा जो मूवी, ये जो हमारी वेब सीरीज का जो नाम है, ये सजेस्ट किसने किया, किसके दिमाग में आया है, ये कौन बताएगा? मनीष जी बताइए ना, राज खोल दीजिए, आप ये राज खोल दीजिए. नहीं, ये हम सब का कॉमन एक फैसला था. ये तो और साइल का है. मेरे किसी भी काम का हम सिंगल क्रेडिट नहीं लेते, तो मेरी पूरी टीम थी इसके पीछे. दैट इज सो कूल एवरीबॉडी. चलिए मैं ये मौका लेना चाहूंगी इससे पहले कि हम यहाँ पे ट्रेलर एंड सॉन्ग्स देखें. सो आई रिक्वेस्ट हमारी पूरी टीम ऑफ एल लगे टू प्लीज ज्वाइन अस फॉर अ ग्रुप फोटो. Yes, I request our celebrity guests to please be seated. Thank you so much. इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं. Thank you so much. Can we have the entire team joining us over here? महेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? All right, ठीक है. कैमरामैन नदीम जी, कैमरामैन नदीम जी, पिंकू दुबे राइटर. हेलो. All right. वेल हमारी एक और नजमा, ये करवाना चाहिए था ना पहले सब. क्या मैं वही तो कह रहा हूं, सबके अंदर ही थी, आपके आने के बाद सब आ रहा है. क्वेश्चंस कौन करने वाला है वो देख लेना. हेलो हेलो फाइल मत प्लीज. वो मुझे बहुत अच्छे लगे. मंगिया मंगिया बस ठीक है, चलो हो गया. प्यारा सॉन्ग चल रहा है. अरे वेट, चलो वाओ. मतलब मैं रियली सबको कहना चाहूँगी कि एल लग गए जो मैंने अभी प्रोमो देखे, गाने देखे, मतलब आप सोच सकते इतने हॉट, मतलब पसीने छूट रहे. और बहुत अच्छा प्रोमो लगा. और साहिल, इमरान, मनीष जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. और एक फैमिली यंगस्टर्स अभी की जनरेशन के लिए और एक फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एल लग गए. जब लॉकडाउन हुआ था तो सबके कैसे तोते उड़े थे, तो वैसे एक शादी होती है और शादी में सडनली लॉकडाउन लग जाता है तो कैसे बारातियों का, दूल्हा का, दुल्हन का, उनकी फैमिलीज़ के तोते उड़ जाते हैं और एक कैसे फंस के एक हाउस में रह जाते हैं. तो उसकी ये स्टोरी है. बहुत अच्छा आपने डायरेक्शन किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. लोग इसको एक बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके भी तोते उड़ जाएंगे. अमेजिंग कॉन्सेप्ट है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन में ऐसा भी हो सकता है. वैसे सबके साथ तो लॉकडाउन में क्या क्या हुआ है. लॉकडाउन पे जितनी वेब सीरीज फिल्में बने उतनी कम है, बट ये एल लग गए. एल लग गए मतलब इसको आप लॉकडाउन में एल लग गए, तो दोनों ही मीनिंग्स है, यू नो. बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छा काम किया. ये सब कॉमन लगता है कि इसका
देखिए सिने प्राइम जो OTT प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी वेब सीरीज एल लग गए बनाई है पूरी, जैसे एक राइस प्लेट होता है उसमें आपके पास चिकन भी रहता है, मसालेदार सब्जी रहती है, दाल थोड़ी फिक्की रहती है, चावल रहता है, रोटी रहती है, तो तभी एक अच्छा राइस प्लेट बनता है। तो इसीलिए फिल्म तब बनती है जब एक दूल्हा और दुल्हन की लव स्टोरी के साथ एक एक कैरेक्टर ऐसे आते हैं तो उसमें थोड़ा रोमांस नहीं हुआ तो पब्लिक फिर बोलेगा अरे यार इसमें तो कोई रोमांस ही नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। तो देखिए एक पूरी फिल्म बनाने के लिए आपको सब कुछ होना चाहिए। किसिंग विसिंग क्या है, अभी से थोड़ी शुरू हुआ है, जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से किसिंग शुरू हुआ है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू इमरान हाशमी जी, और इसमें इन्होंने भी, उनका नाम भी इमरान ही है जो इन्होंने, इनका तो लग रहा है इमरान जी का तो अभी तक लॉकडाउन खुला ही नहीं है, लॉक लगा क्या है। बहुत अच्छा है, लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, साहिल ने, सब ने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है, डायरेक्टर साहब ने। मैं तो कहती हूँ कि मैंने तो डाउनलोड कर लिया है सिने प्राइम, आप लोग कब कर रहे हैं? मैं 9 दिसंबर को मैं तो देखने वाली हूँ। तो देश की जनता को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सिने प्राइम को आप लोग डाउनलोड करें और मेरे साथ बैठकर एल लग गए जो लॉकडाउन में फिल्म बनी है। तो लॉकडाउन में एक फैमिली के साथ क्या होता है,